कभी पंक्ति जल्दी जल्दी हो जाओ भाई, बैठना पड़ेगा। हल्दी का फंक्शन हो गया स्टार्ट, तो गुड्डू मुझे लगा रही है बिंदी। चाय ग्रहण करो, चलो पहले टीम बना लो। ब्रेड पकौड़े नहीं खाने के? तूने कब खाई भटूरे बोल के पूरी? चीकू बाबू चलो नीचे, और हालत देखते रही क्या हो रही है। छोरा हरियाणे का, छोरा हरियाणे का, भाई देख मेरा टोरा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो कल हो गई बैंगल सेरेमनी, मैंने बहुत ज्यादा बैंगल्स हो गई थी तो मैंने निकाल दिए। ये चार कांच की चूड़ियां मैंने रखी हुई हैं और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है हाथ में ना। तो आज का जो व्लॉग है वो होगा हल्दी व्लॉग, और आज होने वाली है मेरी हल्दी। अभी बस सब लोग नाश्ता वास्ता करेंगे, नीचे बन रहे छोले भटूरे सब लोगों के लिए। उसके बाद तो 2:30-3 बजे के करीब होगा प्रोग्राम शुरू। पायल की जो डेकोरेशन है नीचे बास्केटबॉल कोर्ट में हो रही है, और सुबह से जो मौसम था ना वो इतना बेमान था, मतलब बारिश आ रही थी और अब भगवान जी ने कर दी है धूप। ठीक है ना भैया? बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत ही सुंदर। चिपकन का जो खाना है ना उसका वेट कर रहा हूँ, ये लड़का मुझे मिल नहीं रहा कहाँ पर है। मैंने ऊपर भी देख लिया और ऊपर एसी के ऊपर भी देख लिया, पर्दे भी चेक कर लिए, चिपकन मुझे मिल नहीं रहा। मैं चीकू के पापा का वेट कर रही हूँ, कब वो आएंगे चिपकन को ढूंढेंगे। गुड्डू तेरा येलो सूट हो गया ना, देखो आ जाएगा ये? हाँ इसको आ जाएगा, मेरी फिटिंग है। ठीक है, तन्नू को दे देती हूँ। हाँ तो उसके पास भी येलो नहीं है। ठीक है, और मुस्कान के लिए निकालना, वो नीचे से निकालेंगे। आ जाओ चल। ठीक है चल, पायल और मैं जा रही अभी ऊपर, क्योंकि सबके पास सूट नहीं है येलो, किसी के पास येलो नहीं, किसी के पास ग्रीन नहीं है, तो बहुत सारे बच्चों को दे दिए हमने, मुस्कान और तन्नू रह गए हैं। तो पायल 13 पे चलते, पहले पहले 2 पे जाना पड़ेगा ना, 2 पे रखा है ना येलो वाला ड्रेस। ठीक है ठीक है, उसकी दोनों की अल्टरेशन करानी है ना, पूजा की और स्वाति की। हाँ हाँ हाँ, तो उसकी भी करवा देंगे। ठीक है उसको, क्योंकि मेरे तो लूज आएगा। अनुज भैया और धीरज भैया आपने तो येलो पहना हुआ अभी से, चलो फिर नीचे हल्दी पे। हमें पता लगा था सबसे पहले हल्दी है, तो हम तब से हल्दी पहन के सो रहे हैं, हल्दी पहन के उठ रहे हैं। चलो उसके लिए भी ऐसे ही हम अलाउड? नहीं नहीं, आपके लिए कपड़े हैं ना, वो वाले पहन। हाँ वो ही पहनने हैं। मैं नीचे छोड़ के आई हूँ सबको, तन्नू मुस्कान सब लोग नीचे हैं। चलो चीकू, चल शांति, चल गुड़िया, चल चीकू खाना खा के आएंगे बेटा। दीपक आ रहे हैं गोलू के साथ, आ जाओ। ऊपर से सब आ गए खाने, तूने खा लिया? कहा फिर क्या हुआ? मेरा रह गया पायल, मेरे खा लिया। पायल मैं जाके खा के आ रही हूँ। मैं तो चीकू के लिए लेके बैठी हूँ, वो गया है टॉयलेट करने। अच्छा अच्छा, तूने नहीं खाया क्या अभी तक? ये उसका लेके बैठी हूँ, तो फिर मैं तेरे मेरा लेकर आती हूँ। ये जो बड़ा सा थाल दिख रहा ना, इसमें मैं और चीकू के पापा बैठने वाले हैं आज हल्दी के टाइम पे, और बहुत ही अच्छा फंक्शन होने वाला है। और चीकू आ गया है वॉशरूम से। फाइनली पायल की शादी की ज्वेलरी भी आ गई है, और ये सीरियसली इतनी सुंदर ज्वेलरी है, इतनी सुंदर ज्वेलरी है। और जिसने भेजी है आप सबने उसका नाम बेशक सुना होगा, राब्ता बाय राहुल, फेमस डिजाइनर बाय दिल्ली। सारे सेलिब्रिटी उनकी ज्वेलरी पहनते हैं, और उनका जो आउटलेट है ना US में भी, और बहुत ही सुंदर है पायल। अरे मैं ये देखो, मैं कहीं सेट तो बड़ा सुंदर है, ये देखो पीछे भी है। सुंदर लग रहा है ना। देखो बाबू यहाँ पे लेके आया, क्योंकि नीचे ढंग से खा नहीं पा रहा था, तो यहाँ पे बैठ के खा के फिर सबको इसको रेडी करना है ना। तो एक काम कर, तू सबको पहले पब्लिक को रेडी कर दे, लास्ट में हम हो जाएंगे। खाना खाया बिट्टू? जिमू खाना खाया बिट्टी ने? पायल बेटा ये हार्ट फूल है, सर्दी की टोपी नहीं है। हार्ट फूल थोड़ी है, सॉरी ये सीस फूल है, सर्दी की टोपी नहीं है। यहीं पे तो लगाएंगे इसको दीपक के गिरे ना। नहीं बैक पे लगाएंगे, बैक से तो निकल जाएगा ये। नहीं निकलेगा बैक से तो निकल जाएगा। अच्छा एक बाप दूल्हन ऐसे कभी पहनती है? नहीं बाल इधर रहेंगे ना, ये दिखेगा। देख कैसी लग रही हो, तभी तो बोल रही हूँ मुझे लगा ये यहीं पे लगेगा, ये गिरे ना ताकि यहाँ पे ऐसे। नहीं नहीं, पर नहीं ये तो अजीब लगेगा यार। हमारी जो दुल्हन है ना वो इतना नाची, इतना नाची, 2 दिन से दीक्षा इतना नाच रही है, इतना नाच रही है कि नाचते नाचते नेल्स पायल के टूट गए। तो हमने दीक्षा को बोला कि इमरजेंसी में पायल के नेल्स लगवाने, और दीक्षा इतनी स्वीट है कि वो साथ में लड़की लेकर आई है, और पायल के पहले नेल्स होंगे फिर होगी हल्दी, क्योंकि दीक्षा अच्छा नहीं लगता ना पैरों पे हल्दी लगेगी, नेल्स ना दिखे, वीडियो बनेगी ना पूरी। और दीक्षा आज हमारे गाने का शूट भी है, प्लस कालू भैया वो वक्त आ गया कुर्ते पजामे पहनने का येलो वाले, अब पहन लो, नहा धो लो, आज तो नहा लो। चलो जाओ नहा, मैं रोज नहाता हूँ, मतलब आज तो नहा लो, आज तो नहा लो। ये कह रही है आज जल्दी नहा लो, आज जल्दी नहा लो। काम पता कितना था, सिलेंडर लाओ, फलाना लाओ, ये लाओ, दही लाओ, दूध खत्म, ये खत्म। क्या हुआ दीदी? इतनी गंदी शेप तो मैं बना लूंगी। दीपक ऐसे शेप को बिगाड़ा बेटा, खराब कर दिया तूने। तो दीदी हो गई रेडी, और दीदी बहुत ही खूबसूरत लग रही है, पर दीपक ने दीदी की खूबसूरती पे थोड़ा सा दाग लगा दिया, दीदी की लिप्स की शेप बिगाड़ दी। चलो कोई बात नहीं, दीदी खुश हो रही है।
और यहाँ पे तन्नू का हो रहा है हेयर स्टाइल। मैंने रेडी होकर आ रही हूँ, मैंने दीपक ने मुझे बोला है गोलू आप जाके ब्लाउज पहन लो, तुम ब्लाउज पहन के आ रही हो, मेकअप करा रही हूँ, जब तक तेरे नेल्स होते मेरा मेकअप डन हो जाएगा। अच्छा पेटीकोट कोई बात नहीं, ब्लाउज पहन रही हो भी। तो ये जो लड़की है ना ये बहुत अच्छी नेल आर्ट करती है, बहुत अच्छी, मैं हर बार इसी से करवाती हूँ, पर इस बार ये थी नहीं वहाँ पे, छुट्टी पे थी। मम्मी बहुत ही सुंदर लग रही है, मम्मी हो गई रेडी, मम्मी का मेकअप हेयर हो गए और इधर हो रही है पायल रेडी। तो दीपक कितना टाइम लगेगा पायल को? एक घंटा। बस एक घंटा? हाँ। कोई दिक्कत नहीं, एक घंटा दे दिया। दूल्हे राजा आप भी रेडी हो जाओ। एक मिनट में कपड़े पहनने, नीचे काम संभाल रहा हूं, तो जब बोलेंगे एक मिनट में कपड़े पहन लूंगा। मेरे प्यारे दूल्हे राजा बड़े सुंदर लग रहे हो, ऐसी हैं, जल्दी जाओ रेडी हो जाओ। हमारे घर में सबसे पहले हुई है सपना दीदी रेडी है। दीदी आपका सही है, रेडी हो गए अपना फ्री। बेटा शर्माना मत, आपका घर है, खुल के खाओ, खुल के दो की जगह तीन भटूरे खाओ, साथ में पैक भी कर लो, शर्माना नहीं है। पर थैंक यू सो मच दीक्षा, तो खाएगी नहीं, डाइटिंग पर है, खाएगी एक एक चलता है, शादी वाला घर है दीक्षा, एक एक। अरे मैंने चाय पी ली ना आपकी फेवरेट। हल्दी कर रहे हैं सब, हल्दी का कुछ है नहीं। नहीं हल्दी का सामान लेकर आया दीक्षा, एक काम करो आप और मम्मी मिलके ना हल्दी की तैयारी कर लो, हम अच्छी सी प्लेट तैयार करते हैं। ठीक है, आपको पता है मैंने प्लेट मंगवाई थी, पर पोपट हो गया, प्लेट मंगवाई आया कुछ और, इतनी सी प्लेट आई है। इधर हमारी गोलू तैयार हो रही है भाई, गोलू की नहीं टाइम लगेगा भाई, बस दीदी 5 मिनट, आधे घंटे से बोल रही हूँ, पता नहीं तेरी 5 मिनट हो गई है, हमारी मेम साहब आ गई। कौन आए? ओ दीदी सुंदरी लग रही है, ये तनु बैठी इधर, तनु हाय, सही लग रही है। इतनी लेट तो शादी में क्या होगा तुम्हारा, शादी में जल्दी हो, जल्दी जल्दी हो जाओ भाई, कितने बज चुके हैं, 3 बज चुके हैं। तो इधर हमारी चीना रेडी तैयार हो रही है, बिल्कुल दिखा चीना, इधर मुकरो भाई, वाह चीना सबसे सुंदर लगेगी, ऐसी ड्रेस डाल रखी है सबसे अलग। अरे हमारी पूजा 2 घंटे से मेकअप करी, अब पूरा होया इसका, जी बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, अब बस बेल्ट लगाओगे? हाँ बस यहाँ पे बेल्ट लगा रही हूँ, बस फिर रेडी हो गई। गोलू मामी जी भी रेडी हो गए? हाँ, बस मैं भी रेडी हो गई, मेरी सेफ्टी पिन लग रही है। चीकू और मुकुल सेम से, आंखों का कलर कितना प्यारा है, बट कृतिका आपका नहीं है ना? नहीं मुझे नहीं मिला, मम्मी की मम्मी का भी नहीं था, मम्मी की नानी का था, तो मेरे जो बच्चे होंगे ना उनका होगा, मम्मी ने पहले बोल दिया था बचपन में, आगे की पीढ़ी को मिलता है। हाँ मेरे बच्चों को मिलेगा, मम्मी भी नहीं है ऐसी आई, मेरी नानी जी की बहुत सुंदर है, तो फिर मैं भी बच्चों को बोलूंगी देखो बेटा मेरी नहीं है नानी की है, नानी को थैंक यू बोलो। बहुत प्यारी हमारी हल्दी की थाली हो गई है रेडी, वैसे तो मैंने मंगवाई बहुत सुंदर थाली थी, वो आई नहीं थी, पर हमने घर पे ही रेडी कर ली, तो फाइनली मैं भी हो गई हूँ रेडी, बस मेरे साड़ी के साथ एक बहुत बड़ा पोपट हो गया मेरे साथ, मेरी हाइट की वजह से जो मेरी साड़ी है ना शॉर्ट है पीछे से, बट कोई बात नहीं मैं आगे से सबको दिखाऊंगी, पीछे से नहीं दिखाऊंगी। पायल बोल रहे हैं कोई बात नहीं गोलू, थोड़ी बहुत छोटी है चल जाएगी, बस नीचे गद्दे लग रहे हैं, पायल नीचे गद्दे लग रहे हैं, बस ऑलमोस्ट 5 मिनट, ठीक है चलते हैं फिर। अभी चीकू के पापा कह रहे थे काम करो तुम सीढ़े से चले जाओ, पायल कहती है उनको लगा कि हम सेकंड फ्लोर पर हैं, हम हैं 8 फ्लोर पे, देखो सीढ़ियों से जाएंगे तब तक सारा मेकअप खराब हो जाएगा, चलो चलो नीचे चलो गर्ल्स। हमारे ग्रूम भी रेडी है, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, चेहरे पे जो उनके निखार है माशाल्लाह क्या कहना। तो सबसे पहले हम लोग आ गया, पूरा सेटअप है सामने, कोई गेस्ट नजर नहीं आ रहा, दूल्हा दुल्हन आ गए पहले, तो भैया एक काम करते हैं पहले इनका फोटो शूट करते हैं, ठीक है ना? वो जो गोल गोल सा दिख रहा है ना ये, इसमें बैठना आपको और पायल को दोनों को बीच में, ठीक है बैठना पड़ेगा, जो रीति रिवाज है वो तो भाई करने पड़ेंगे पूरे, बैठने के लिए भैया पायल के लिए बैठे, नितिन कहाँ है? फोटो शूट हो गया स्टार्ट दूल्हा दुल्हन का, तो देख सकते हो बहुत सारे लोग हैं जो पायल और अरमान जी की फोटो क्लिक कर रहे हैं। शाम के 5:30 बज गए और हमारे हल्दी का जो फंक्शन है स्टार्ट नहीं हुआ, इनका फोटो शूट चल रहा है अभी भी, तो अभी फोटो शूट के साथ साथ वीडियो शूट भी चल रहा है, तो इसके बाद होगी हल्दी स्टार्ट, जो सेटअप है वो तो प्रॉपर लग चुका है वहाँ। अपना दीदी थक गए हो क्या मेरी तरह? है ये काला चेहरा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें फिल्टर नहीं लगा, बाद में फिल्टर लग जाएगा, इतने काले हम हैं नहीं जितने काले लग रहे हैं। फाइनली ये लोग बैठ गए अपने अपने मटकों के अंदर, और ये मटके काफी बड़े हैं, काफी स्पेस है इधर। मम्मी दूर से कह रही है ये मटके नहीं है कमल के फूल है, तो इन कमल के फूल में बैठेंगे ये, फिर लगेगी हल्दी। आज सुबह से ऐसा मौसम हो रहा था ना, मतलब लग रहा था कि आज जो हमारा हल्दी का फंक्शन हम इधर नहीं कर पाएंगे, क्लब हाउस में शिफ्ट होंगे, बट ठीक है धूप निकल गई है और बहुत ही मजा आ रहा है फंक्शन में। हाँ कालू भैया कुछ बोलना चाहते हो कि मैं सुंदर लग रही हूँ? थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच कालू भैया, मुझे देख रहे थे हाँ, उधर तो मैंने ले लिया है। मैं कैसा लग रहा हूँ? आप भी बहुत अच्छे लग रहे हो। सारे के सारे जो रिश्तेदार है बहुत थक चुके हैं भाई, कुछ करा है तुम लोगों ने? थक गए हो बैठ गए हो सारे? मैंने किया, मैंने मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, सारे बैठे हैं, क्या बात है, नाचना गाना नहीं है क्या? चलो ठीक है फोटो शूट हो जाए कंप्लीट, फिर नाचते गाते हैं। अब भैया कुछ पूछ रहे थे क्या? भाई सारे जितने बैठे सारे गेस्ट है, जो 4-5 दिन से दिख रहे हैं ना यही गेस्ट है हमारे पास, इतने गेस्ट है, ज्यादा गेस्ट नहीं है यहाँ पे।
आप मम्मी पापा को तो लेकर आए नहीं हो, आपको कहा था घर पे घर बन रहा है ना, काम चल रहा है। हल्दी का फंक्शन हो गया स्टार्ट। सबसे पहले मम्मी लगाएगी पायल को हल्दी, उसके बाद सपना दीदी लगाएगी चीकू के पापा को हल्दी। तो करे स्टार्ट भाई, चलो। हम लोग ना हूटिंग कर रहे थे, मम्मी को चढ़ गई खांसी, क्या हो गया? गला सूख गया, गला सूख गया, पानी मंगवाऊं क्या? नहीं नहीं, दूल्हे जी का सैलेड और जूस मंगवाया मैंने। हाँ, आज भी डाइटिंग पर आई। चीकू बेटा थोड़ा कम, थोड़ा कम बेटा, थोड़ा कम। दीक्षा लगा दी अच्छे से, चलो भाई। पूजा तेरी टर्न, आ जाओ। अब गाना मैं गाऊं क्या? बनो तेरी अखियां सुरमे वाली, बना तेरा खिया। भैया को लगाओ हल्दी, लगाओ बेटा लगाओ। सारी लड़कियां पायल को हल्दी लगा रही है, मैंने हल्दी लगा दिया। पायल कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत स्पेशल फील कर रही हूँ मैं। मजा आ रहा है ना, और लग भी बहुत सुंदर रही है। गुड्डू मेरी बिंदी उतर गई, मुझे बिंदी लगा दे बेटा। तो गुड्डू मुझे लगा रही है बिंदी, मेरी बिंदी निकल गई पता नहीं कैसे, अब लग गई है बिंदी। ये जो लड़की है ना शैली भाई, इतनी दूर से आई है स्पेशली, और आज आ गई बिल्कुल सही टाइम पे है शैली। दीपक तू भी छा गया भाई, येलो कपड़े। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इनकी डाइटिंग का पूरा ध्यान रखती हूँ, ठीक है ना भैया? बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से इन्होंने वेट लूज किया। मैं नहीं चाहती बिल्कुल वेट गेन हो जाए, चाहे शादी हो घर में, चाहे कोई भी फंक्शन हो, ये इनकी डाइट है। वैसे पता है भैया बहुत मुश्किल होता है डाइट मेंटेन करना। बंदा सोचे ना शादी है, चल कोई बात नहीं, छोले भटूरे खा लेते हैं, दाल मखनी खा लेते हैं। तो ये डाइट प्लान क्या आप मुझे भी बना के देंगे? ये डाइट प्लान ना मैंने नहीं बनाया इनका, इन्होंने खुद से बनाया, सारी नॉलेज इनको है, मुझे नॉलेज कम है इन चीजों में। तो दोस्तों कुछ टाइम के बाद मैं भी ऐसा ही हो जाऊंगा स्लिम ड्रीम, और फिर देखना दोनों हम जोड़ी है तो चाचा बेटा, लेकिन हम दोनों मॉडल के रूप में आएंगे। बिल्कुल। छाता लेके आये हो आप, बारिश आगे छोड़े? चलो शुक्र है हल्दी हो गई, उसके बाद बारिश हुई है ना, तो ये बहुत ही अच्छी बारिश होने वाली है, बादल हो गए। अभी चल रहे मजेदार सा फोटोशूट पायल का, जितनी भी औरतें आपको दिख रही है वो सारी औरतें फेंकेंगी पायल पे फूल। ऐसा लग रहा होगा ना कि ये खत्म ही ना हो, चलता रहे। चल कोई बात नहीं, नहीं, नहीं खत्म हो तो कल फिर मेहंदी भी लगेगी ना। अच्छा हाँ ठीक है, मेहंदी के दादा इंतजार है मुझे। तो पूरा हल्दी का जो फंक्शन हमारा अच्छे से सब कुछ हो गया है, और अभी हम कर रहे हैं पैकअप गाइस। और जितनी भी डेकोरेशन थी आपने मेरी मेहंदी में, हल्दी में जितनी भी डेकोरेशन देखी है वो भैया ने की है, और ये बहुत ही अच्छी डेकोरेशन करते हैं। रॉयल इवेंट डेकोरेटर। या चाय का क्या करना है? चाय भैया बना रहे हैं, मैं दूध मंगवा देती हूँ। सुबह कड़ी चावल। तो भाई घर के बाहर देख लो जरा, चप्पलों की सेल लगी हुई है, जिसको जो चप्पल पसंद आए वो लेके जा सकता है। तो भाई बच्चे थक गए हैं सफाई करके, सारे घर की सफाई करी है, अब ये चाय रस खा रहे हैं, चाय बनवाइए सभी के लिए। चाय ग्रहण करो 30 कप, तो चाय ग्रहण करो फिर हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। चलो चलो सारे खाना। चलो भाई सारे खाना खाने चलो, लंगर लंगर लग गया नीचे। चलो 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 अपने बर्तन उठाओ, जल्दी उठाओ जल्दी, चलो चलो चलो। तो यहाँ पे सफी भैया ने डाल लिया है खाना, पहले भैया खाली पूड़ी खा रहे थे, टेस्ट कर रहे थे पूरी कैसी बनी है। खाना कैसे भैया? खा लो पहले। खाना मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, इसलिए मैं जो है ना स्टार्ट कर दिया। मैं सोच रही हूँ मैं भी खा ही लेती हूँ, मैंने सुबह भी छोले भटूरे नहीं खाए, सिर्फ एक बाइट खाई थी, सुबह से मैंने सिर्फ चाय पी है, अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। क्या होगा ना, मिल गया पर्स? और क्या, मम्मी जिस जगह पे रखती है ना पर्स, उसी को पता, लगेज की जो जिप होती है बहुत लंबी होती है, अंदर गहरी होती है। ऐसे चेक किया, आधा चेक किया, जब मैं गई मैंने कहा मम्मी कहाँ रखा था, कहती यहाँ रखा था, मैंने कहा अच्छे से चेक करूँ, जो मम्मी ने अच्छे से चेक किया ना वहीं से ही निकला, मिल गया। और तो भाई मैं सभी को कह रही हूँ, जिस जिसके पास कुछ भी थोड़ा बहुत कैश है तो मेरे पास वो जमा करा दो, कोई जरूरत नहीं वापस लेने की, मैं सुरक्षित रखूंगी, ठीक है? मेरे 2.5 करोड़ चोरी हो गए। 2.5 करोड़ अब यहाँ गिरे होंगे, देखो भैया। भैया ये देखो, यही यहाँ वो फूलों के बीच में कहीं मिलेंगे, वहीं मिलेंगे भैया, जाओ ढूंढो। पायल पहली चीज जमा करा रही हूँ, इसमें कुछ कैश है, ये ले। तो ये मैं संभाल के रख लूंगी, मम्मी जाते हुए ले लेना मुझसे, ठीक है? अब मुझे रखना ये कैश का, ये तो फोन है,
इसी में तो सारा फोन पे पेटीएम गूगल। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं ये चोरी नहीं हो सकता ये, क्योंकि बंदा कुछ सब कुछ छोड़ सकता है, फोन कभी नहीं छोड़ता बंदा, तो ये कभी चोरी नहीं होगा आपका। यहाँ डिस्कशन चल रहा है सुबह के ब्रेकफास्ट का, क्या खाना है भाई? अभी खाया नहीं है। क्या खाना है भाई? ब्रेड पकौड़े। तुझे? ब्रेड पकौड़ा। साउथ इंडियन बनवाओ। साउथ इंडियन? साउथ इंडियन बनवाओ। उसके लिए सामान अलग लगता है, यहाँ पे जो मेन्यू दे रखा है मैंने वो अलग दे रखा है, इंडियन फूड का दे रखा है, तो साउथ इंडियन नहीं। ब्रेड पकौड़े बनवा दो। ब्रेड पकौड़े। ब्रेड पकौड़े उसके लिए आलू परांठा। चलो ठीक है, ब्रेड पकौड़े चाय करवा देती हूँ और लंच में देख लेते हैं। भाई दीदी कह रही मैं सो रही हूँ, अभी कोई नहीं सोएगा, अभी सबको करने नहीं मिला। कौन सो रहा है भाई? किसको नींद आ रही है? किसी को नहीं आ रही। चलो चलो पलट गई। चलो मेरे से क्यों डरते हैं सारे, मुझे समझ नहीं आता। जो भी मिलता है कहता है पायल से डर लगता है, पायल से डर लगता है। यार मैं तो इतनी अच्छी हूँ। चलो फिर चलो। तो हमारे जो मेहंदी वाले भैया वो भी आ गए, और वो स्पेशली दिल्ली से आए, मतलब कि लगा लो 4 बजे चले थे, 9:20 पे पहुंचे हैं। तो भैया को हम नीचे रिसीव करने जा रहे हैं, उनको अच्छे से खाना पीना खिलाएंगे और वो मेहंदी साथ में रात को ही बनाएंगे ताकि हमें कल लग सके। मैं ये चाहती हूँ कि कुछ लेडीज को आज रात को ही लग जाए। नहीं लग पाएगी, थक के आए ना, वो सफर से आए हैं। और आपको मैं उनकी मेहंदी जो है ना उसकी मतलब तारीफ अभी नहीं करूंगी, आप कल काम देखना और फिर आपको पता लगेगा कि क्यों हमने उनको दिल्ली से बुलाया है। तो इनको हमने स्पेशली दिल्ली से बुलाया है मेहंदी लगाने के लिए, क्योंकि इनका काम सीरियसली बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। सीडी हिना टच से इनका पेज, और सीरियसली जो इनकी मेहंदी है ना, मैं तारीफ कितनी करूँ उतनी कम है। कल आप देख लेना 3D मेहंदी लगेगी, बहुत ही सुंदर। तो अभी मैं ये डिस्कशन कर रही हूँ कि भैया फाइल को कितना टाइम लगेगा, तो भैया ने बताया कि 5 घंटे लगेंगे और मुझे लगेंगे 2 घंटे, क्योंकि मेरी इतनी मेहंदी है। तो कल बस कल का वेट है, क्योंकि मुझे भी अपनी मेहंदी बहुत ही प्यारी है और मैं देखना चाहती हूँ कि मैं मेहंदी लगाने के बाद कैसी लगने वाली हूँ। गोलू यार पता नहीं पर पीछे क्या टक्कर है, देखा मुझे गोलू बाजू है सूट के बाद जो परेशान हो रही है यार, मुझे ना पीछे भारी भारी लग रहा है। मैं भारी भारी क्यों लग रहा है? जैसे होता है डायपर पहन होता है बच्चों ने, वैसा लग रहा है। ये तो यार निकालना है, पर निकालती हूँ गोलू रुक जा। एक बात बताओ, कल गाना शूट होना है और मेरी मेहंदी लगेगी 5 घंटे में, बोल दिया उन्होंने कैसे करें? मेहंदी को लगेंगे 5 घंटे, HD मेहंदी है, 5 घंटे लगेंगे। अच्छा सुनो, एक बहुत सुबह लगवा लूं, एक बहुत बड़ी खुशखबरी, मैं सुबह लगवा लेती हूं। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, चीकू सोया था 7 बजे और अभी बज रहे 9:30, तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि चीकू की नींद पूरी हो रही है। चीकू के पापा बहुत खुश होंगे आज कि चीकू की नींद पूरी हो रही है। जैसे उठेगा वो उसको सुलाया किसने है, सुलाया किसने, सारे शरे जाते हैं हमारी छिपकली को, चीकू की छिपकली, गुड्डू और गुड्डू। हाँ गुड्डू, और जैसे ही मेरे को चीकू ने देखा, देखते ही बोलता छिपकली। चीकू बहुत पसंद करता है छिपकली को। हाँ शोर इतना मचा रहा है, उठ के आ जाएगा। बहुत ज्यादा थक गई हूँ आज, पता नहीं क्यों, मतलब 3 दिन मैं बहुत नाची हूँ, मैं इतनी थकान नहीं हूँ मुझे, पर मुझे आज बहुत ज्यादा थकान हो गई है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि आज आप बैठे हो ना आराम से सोच रहे हो कि मेरी कल मेहंदी है, इसीलिए आपको आज थकान लग रही है। आज थकान बहुत ज्यादा लग रही है, बहुत ज्यादा। डांस करोगे ना फिर से? ये तो गोलू को तो देख लो, गोलू को देख लो टेबल पे सो गई है। तो बंद करा, लेट ही रहो क्योंकि पैर में दर्द हो रहा है बहुत तेज का। क्या कह रहा है? अभी कमरे में जब मैं गई, कह रहा इधर हो, मैंने कहा हाँ जी बोलो बेटा क्या हुआ। कह रहा एक बात बताओ, इतने कपड़े ले रहे हो, मेरे लिए वो क्यों नहीं लाए, मैं शादी में क्या पहनूंगा? कल इसको एक काम करवाती हूँ, इसका कल वॉश करवा देते हैं, पूरा स्पा करवा देते हैं और इसको कल बोल आते थे। कैसे कैसे किसी मासूमियत से देखता है ना, मेरी बहुत शौक ओ मेरी कुकी, मतलब सबसे शांत मेंबर यही हमारे घर का, ना भौंकता है ना कुछ मांगता है, बहुत ही अच्छा बच्चा है। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, ससुराल में इतना प्यार मिले। लड़कियां ढूंढ रहे हो ना, हमारे अनुज भैया उनकी शादी नहीं हुई अभी तक, तो अनुज भैया भी शादी शुदा है, वो उसके बच्चा भी है, एक बच्चा भी है उसको, उसको बच्चा भी है एक, इसको आपने बताया नहीं कभी शादी का खुलासा, सच सच के बहुत बड़ी खबर जिसका खुलासा आज हुआ। सुनो सुनो, अफवाह है जो नितिन भाई ने उड़ा रखी। अच्छा भैया अनमैरिड है, शादी करने नहीं, भाभी है बच्चा भी है इसका, ए, इसको तो पता होगा। खाओ अपनी बीवी की कसम, खाओ अपनी बीवी है ही नहीं, तुम कसम खाओ अपनी बच्चे की कसम, खाओ बच्चे की कसम, बच्चे का आदमी बीवी की कसम खा सकता है पर बच्चे की कसम न।
ना खाया ऐसा हो नहीं सकता। बच्चा है तो बीवी भी होगी, बीवी भी होगी। आ जा शैली, सुनो मैं बहुत सारे लेके आई, दो बंधवा लो। एक के साथ एक मोफ, एक के साथ एक मोफ। ये दुनिया, ये दुनिया पीतल दी, ओ बेटी डोल में सोने दी, ले आओ डोला तो। आओ डेरे, डेरे ना जब डेरे, आजा डोला बनाजा, आजा मेरे। थक जाएंगे सारे, है ना? आपको लेके संगीत का परसों शादी है, तो आज टाइम से तो आज टाइम से सोना, ये लगाओ 26 को तो अभी पूरी रात जागना, फिर होता है सुबह तक जागने। मतलब ये लगाओ कि शादी कैसा टाइम होता है कि दोपहर को रेडी होना स्टार्ट हो जाओ, शाम को शादी होगी, सुबह फिर होगी, मॉर्निंग में घर आएंगे। तो दोपहर को जाना पड़ता है, दुल्हन को तो बहुत हेक्टिक रहता है। पर मेरा तो बहुत रहेगा, चलो फिर चलते सोते हैं। इनकी डिमांड है कि इनको एक सॉन्ग सुनना है, वो सॉन्ग क्या है ये खुद ही बताएंगे। कौन सा? चलो भाई सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, टाइम देख लो और सो जाओ। सुबह 9 बजे उठना है, 9 बजे सबको। ऐसे बोल रही हो, उठ जा रहा। ब्रेड पकौड़े नहीं खाने के सुबह? हाँ तो ब्रेड पकौड़े के लिए उठ जा रहा हूँ तुम्हें सबको। छी छी, ब्रेड पकौड़े पे मक्खन कौन खाता है? नहीं, जैसे आंटी ने भटूरे बोल के पूड़ी खिलाई थी ना, तूने कब खाई भटूरे बोल के पूड़ी?
भटूरे थे वो तो फर्स्ट डे वाले दिन ना आंटी ने बोला छोले भटूरे बने, हम नीचे गए तो आलू पूरी मिल गई। चलो आज खाए ना छोले भटूरे, बस फिर खुश हो जाओ। दीदी गुड नाइट, तनु सो जा सुबह 9 बजे उठना है, सो जल्दी। हाँ गुड नाइट, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। चीकू बाबू चलो नीचे नीचे, चलो चलो, ये अपना फोन है ना, मम्मी का फोन आ तो ऊपर सोएगी, चल आ जा बेटा। अब नहीं ढोलक नहीं बजाना बेटा, सोना है, अब बंद करो इसे, चलो। मैं तो चीकू को ढूंढ रही थी, चीकू कहाँ गया? चीकू और चीकू बेटा, पायल सबको बोल रही थी पानी के लिए कि अगर लगे कि पानी नहीं है तो 8th फ्लोर पे भी नहीं है तो 2nd फ्लोर से लिया ठंडा पानी। ठीक है चल चल। चीकू बेटा अंधेरे में क्या कर रहे हो आप? मैंने ना अभी पूरी लाइन तोड़ दिया है बेटा। नारियल तोड़ रहे हो? नारियल खिलाओगे? टूट गया टूट गया, हाथ में लग जाए। गोलू चल दूध दूध पी लेते हैं और सोते हैं ना। कितने दिन से दूध नहीं पिया? यार 2 दिन हो गए, 2 दिन से हमने दूध नहीं पिया। चल दूध पीते और सोते हैं। लगा देती हूँ पाल, यार मैं बड़ी परेशान हो रही हूँ उस लड़के की वजह से। चिपकन को हम खाना देख के तो गए थे, पता नहीं खाया नहीं खाया पता भी तो करना पड़ेगा। नहीं ऊपर रखा था उसके लिए खाना हमने, मुझे लग रहा है उसको फ्रेश खाना देना पड़ेगा, क्योंकि वो जो खाना था ना क्या पता उसने नाक वैसे बिल्कुल फ्रेश पता जैसे कद्दूकस किया उसी वक्त खाता है। भैया नीचे उठाओ यार लड़के को, सुबह से गायब है, ये शादी के चक्कर में ना सबकी बैंड बजी हुई है यार। बोरा बोरा भे दिख रहा है मुझे तो, दिख रहा है। हाँ उतार के देखो, कोशिश करो। एक काम करूं, रुको है ना, ये ध्यान से लेना भैया, इसे ध्यान से उतारना ठीक है। आपने प्लीज खाना यार, ये इसको यहाँ पे 2-4 दिन इसको यहाँ पे लटकाना बंद कर दो। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि यहाँ पे लटकाओगे तो यहाँ जाएगा ही जाएगा। इसको इसके केज में रखो, इसके घर में रखो आराम से भैया, ध्यान से ध्यान से। बहुत ही मेहनत करी है चिपकन के पीछे, बहुत ही मेहनत करी है बेटा तेरे पीछे, तू अब आया नीचे और हालत देख तेरी क्या हो रही है। खाना खा ले, देखा भूखा था तू, तेरी अक्कड़ है बेटा कि ऊपर रहना है, यही नहीं कि नीचे आके खाना खा लूं। पायल चिपकन को दे रही है लीची, और लीची ऐसे नहीं दे रही, पूरा पीस कर करके दे रही है। चिपकन को फ्रूट्स बहुत पसंद है बेटा, खाओ योर फेवरेट लीची, ट्राई तू कर। चिपकन डर क्यों रहे? मैं डर रही हूँ उससे, ये क्या देगा, देखते है खाता है नहीं खाता। खा बेटा, डर रहे, नींद नहीं आ रही तुम्हें है? दी पानी भर। अच्छा अच्छा अच्छा, शाम को खाते नहीं फिर रात को भटकते फिरते हैं। और अभी सुनो ये लोग गए थे 24/7 है। मैं बता। हाँ तू बता। देखो वहाँ से अरे सर की गाड़ी, ठीक है कलर ने गाड़ी देखी, नई गाड़ी है, नई गाड़ी है ठीक है। मैंने लाइट देखी, चीना दीदी और दीपा दीदी ये सब तीनों भाग लिए, कहा भागू मैं, तेरा भाग गया सर के। दीपक इधर आ, दीपक इधर आ, चलो साथ हो। मैं गया तेरा कहाँ गए थे देखा, मैंने कहा सर 24/7 गए थे, कह रहा बेटा सामने से जाओ। डरे तो देख के डर लग गया था, मैं चुपचाप चल रहा था, मैं कोई गाड़ी आई, मैं 2 मिनट रुकी, यहाँ से तो दिख गई, यहाँ से जाते ही दिखी, मतलब गाड़ी बाहर खड़ी होगी। नहीं कुछ नहीं कहेंगे, तुम खाने पीने तो गए थे, खाने पीने तो गए थे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे खाना था यहाँ से ले लेते। सोना नहीं है बेटा, बहुत तेज मुक्का मारा इसने आके, आप भी तो क्या शैतानी कर रहे थे, अभी मैंने देखा था, ये करवा रहा था, कहता मुझे ऐसे पटक के मारो, पैसे वाले मुझे कह रहा था। पूछो वहाँ से, पूछो चलो सो, चलो सो, गुड नाइट बाय। दूध गर्म कर ले, दूध पी के सोते हैं सारे ना, ठीक है ठीक है ठीक है, दूध पी के सोते हैं सारे। ये क्या लगा रखे बिंदे बिंदे, जहाँ जहाँ पे ना पिंपल हो रहे वहाँ पे बिंदे बिंदे लगाए कि कल मेहंदी है, थोड़े से बैठ जाए, ये बैठ ही नहीं रहे यार। चीकू के पापा कैसे बैठाते वैसे बैठा लेना, चप्पल मार वो कह रहे ना आज तेरे दाने बिठाऊं चप्पल मार के। चीकू ऐसे कौन करता है, आप सबको गुस्से मार रहे हो, गंदी बात होती ना। हाँ दूध गर्म कर देती हूँ, शिट हाँ मुझे तो पता है, दूध ही नहीं है दूध ही नहीं है यार घर में, चल सो जा चुपचाप, लाइटें बंद कर सो जा। तो मैंने अभी मेकअप साफ किया है, तब भी मेरे आई शेडो जो निकली नहीं है, मैं ज्यादा रगड़ के कर नहीं सकती हूँ क्योंकि मैंने आईलैश करा रखी है, वो खराब हो जाएंगी, इसलिए मैंने मुंह तो धोया है पर यहाँ से रगड़ नहीं पाई मैं ज्यादा। बाथरूम में था, हाँ गेट खड़काया, मैंने खोला नहीं, मेरा माउस उठा के ले गया, मैंने चार्ज लगाया था। भैया इसके साथ छेड़खानी आप कर रहे हैं, मेरे को किले तो बीच में, अभी आप अंदर से पूछो आप, मैं नहीं अंदर, कौन है अंदर, तो कोई भी नहीं है, फ्रेंड है तो आप और चीकू हो बस। भाभी ऐसे माउस काम करना है, भाभी चार्ज लगाया, मेरी गलती नहीं है ना, आपका ब्लॉग करना। चीकू सुनो, पिछली बार भी आपने माउस तोड़ा था चच्चू का, इस बार भी टूट जाएगा, पापा बहुत डांटेंगे बहुत ज्यादा। चच्चू के पीछे क्यों पड़ गए आप, सुसु करने गए हैं वो, है ना है ना,
है ना, चलो बाहर आओ, चलो 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 आओ, आ जल्दी आओ। बेटा क्या करके आए हो? वैक्स लगाइए बालों में। और ये स्टाइल ये क्या करती है? अभी तो अच्छे लग रहे थे, देख के आओ। क्या हो गया, क्या हो गया, इतनी हंसी क्यों आ रही है? हैं? ओ हीरो शक्ल तो दिखा, खराब क्यों कर लिए? अच्छे लग रहे थे, बहुत क्यूटी भाई लग रही थी मेरी बेटी, मेरी सुंदरी मुंदरी, मेरे बंदरी बंदरी, मेरी बेटी। ऐसे स्टाइल करूंगा। हाँ स्टाइल कर ले। Need your loving, 'cause I'm drowning in something. तो गाइस रोज की तरह बहुत ज्यादा थक गए हैं, सुबह उठना मुझे 9 बजे मेहंदी के लिए, और मैं सोच रही हूँ इस वाले व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मुझे बन चुका है आज कंगना, गोलू को भी बनाया है। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट।